सो हाय एवरीवन, यार आई एम रवि शंकर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सप्लास एकेडमी के ब्लॉग चैनल के ऊपर। आज इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको कहीं भी कोई ट्रिप नहीं दिखा रहा। आज मैं आपको अपने सप्लास एकेडमी की क्लास के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, कैसे कैसे क्लास चलते हैं, किस तरीके से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और उस क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सीखते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंसेस दूंगा। और अपने सब क्लास एकेडमी से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनसे पूछेंगे हम कि क्या उनको नया सीखने को मिल रहा है, किस तरीके से उनका क्लास चलता है और वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आज के इस ब्लॉग के अंदर में मैं आपको अपने पूरे क्लास का जो सिस्टमेटिक प्लान होता है उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे दूंगा। वैसे तो हमारा जो सब क्लास एकेडमी का जो क्लास होता है, वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता है कि एक दिन हम लोग वही करें फिर दूसरे दिन वही करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता हमारे यहाँ। हम लोग हर दिन है कि नहीं, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग का एवरीडे, एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन हमारा क्लास सेम रहे, कभी ऐसा नहीं होता। हर दिन हम लोग अपने अपने क्लास को लेकर के पूरी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट माइंड से सोचते हैं। तो आज का जो मैं क्लास होता हूँ, पीछे का तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आज का आपको बता सकता हूँ कि आज क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। पहले मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ आज उन्होंने क्या क्या नया सीखा, क्या क्या नया हुआ, फिर मैं आपको अपना बताता हूँ कि और भी चीजें क्या ऐड मैंने किया हुआ था। तो सबसे पहले मैं अभिषेक से पूछूंगा। अभिषेक ने पहले नंबर में वो चार वाली बैच के हैं, इसमें से वैसे बेसिकली तो सभी लोग चार वाली बैच के ही हैं और कुछ लोग अभी मॉर्निंग्स में हैं, कुछ लोग अभी शाम में हैं, तो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन चार वाले हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। तो अभी हम अभिषेक से पूछते हैं कि उनका आज का एक्सपीरियंसेस कैसा रहा, वो कैसे क्लास में आए और उनको आने के बाद यहाँ पे कैसे शुरू हुआ और क्लास किस तरीके से एक सही वे में गई। हाय एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक मौर्य। आज की क्लास सबसे अच्छी गई। आज की क्लास में हमें इंग्लिश मास्टरी सिखाई गई। मैं अपने आप को वहाँ देख रहा हूँ जहाँ कोई ख्वाब नहीं कर सकता, इतना मैं ऊपर देखना कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अभिषेक, मेरा आपसे सवाल है, आप जब इस कोचिंग में आए तो सबसे पहले नंबर में हम लोगों ने किस चैलेंज को बीट किया? सर इंग्लिश मास्टरी। इंग्लिश मास्टरी जो हम लोग जीडी से कर रहे हैं, जो हम लोग गाइस एक हमारा ना एक चैलेंज चल रहा है आज दो दिन हो गया कि हम लोग को ना दो मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर 100 से ज्यादा वर्ड बताने होते हैं। तो हमारे दिन अपने वर्ड्स को ना बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे आज हमने 100 वर्ड बताया तो कल हम 200 बता रहे हैं, कल हम 300 बता रहे हैं, कल हम 500 बता रहे हैं। टाइम हमारा बहुत कम बढ़ता है पर वर्ड उसके डबल होते जा रहे हैं। जैसे आज हमारा टाइमिंग था कितना, 3 मिनट का टाइमिंग था और वर्ड बताने से थोड़ा 200, लेकिन यही कल टाइमिंग हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, 2-3 मिनट का ही टाइमिंग है और वर्ड टोटल 400 हो चुका है। मतलब वर्ड 400 बताने हैं और टाइम सिर्फ 3 मिनट का। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं और हमने बहुत ज्यादा इस पर आज चैलेंजेस लिया, जिस वजह से कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस चैलेंज को ही बीट मारा और वो पूरी तरीके से हरा दिए उन बच्चों को जो पूरी तरीके से थोड़ा सा वीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितना भी चैलेंजेस से चल रहा है उसके अंदर ये चैलेंजेस से बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज आ रही है। उसके साथ और क्या हुआ सर? आज हमें इंग्लिश मास्टरी सिखाएगी, उसके साथ हमारा मैथ क्वेश्चन सॉल्व किया। हम लोगों ने एनसीईआरटी के बेसिस पे कुछ सवाल उठाए, उसके बाद हमने क्विज भी सॉल्व किए। हम लोग कुछ ऑनलाइन क्विज उठाए थे गाइस, जो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे स्क्रीन जो लगी हुई है, एलसीडी जो लगा हुआ है, उसमें हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके कुछ यहाँ पे क्विज निकालते हैं जो मैथ्स होता है, उसके अंदर कुछ बच्चे हमारे सॉल्व करते हैं। और यहाँ तक कि मैं सरप्राइज बता दूं कि हम लोग ना उसे पेन पेपर जल्दी सॉल्व नहीं करते, वो सारा सॉल्व यहाँ पे हो रहा होता है यहाँ पे, और बच्चे वाले जितने भी सब क्लास एकेडमी के अंदर है ना वो ब्रेन में सॉल्व। अब से कई सारे सवाल तो बिना पेन पेपर उठाए ही सॉल्व कर दिए और तुरंत बोलते सर दिस इज राइट आंसर, और सच बताऊं सर वही राइट आंसर आता था क्योंकि इतना फास्ट सॉल्विंग चल रही थी ना, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पेन पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे पर अब से का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, वो दिमाग में सॉल्व करके बताते थे सर ये ऑप्शन नंबर ए, और एकदम करेक्ट होता था। मैं बोलता था यार तू सॉल्व किया, बोले हाँ सर दिमाग में ही हो गया, इसका आंसर ये आएगा। मैं बोलता था यार क्या कमाल की बात है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्लास रहा, कई वे में हम चले और बहुत ही शानदार रहा। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस आपको और बतवाना चाहूंगा कि आज क्लास का एक्सपीरियंसेस क्या रहा, जो कि अंकित आपको शेयर करेंगे। और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया गाइस, आज ये वर्ड जो गेम्स हुआ ना, इन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया। ये 3 मिनट में कितना बनाया था? 380 वर्ड सिर्फ 3 मिनट के अंदर बोले थे। दैट्स अमेजिंग। इंग्लिश के वर्ड बोलने होते हैं गाइस, इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसा वर्ड होता है हम उसे बोलते हैं नंबर को छोड़ करके, जैसे 1, 2, 3 को छोड़ करके, उसके बाद हम लोग इसमें जनवरी फरवरी या वेडनेसडे या थर्ड वीक डे को छोड़ते हैं, बाकी हम और भी जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी को वर्ड को ले आते हैं और उसे 3 मिनट के अंदर में उस टारगेट को हिट करना रहता है जितना हमें टारगेट मिला रहता है। तभी मैं पूछने वाला हूँ अंकित से कि कैसा एक्सपीरियंसेस रहा आज का आपका। हाय गाइस, आई एम अंकित यादव।
नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज हमारा क्लास बहुत अच्छे से गया क्योंकि आज हमें ना एक मिनट में 200 वर्ड्स का टारगेट मिला था। और जैसे हमारा टाइम स्टार्ट हुआ तुरंत ही हम लोग ने फटाफट बोलना स्टार्ट किया और मेरा रिकॉर्ड बना 380 का और पूरे क्लास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरा ही बना जो कि 380 हाईएस्ट रैंक बना था आज। हाँ गाइस, और ये एक चीज़ और है गाइस ना कि इनका कल थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब हो चुका था क्योंकि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे ये फैमिली की वजह से, लेकिन आज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर डाला पूरी तरीके से। 300 का हमारा टारगेट था, 200 का टारगेट था, 200 का टारगेट था और उन्होंने 380 हिट किया है गाइस। खतरनाक लेवल पे आज चैलेंजेस बीट किया उन्होंने और बहुत ही शानदार लेवल पे उन्होंने अपना रिकॉर्ड सेट किया है जाकर के। और इतना फास्ट बोला जा रहा था ना सर कि काउंटिंग करने वाले भी पूरी तरीके से हार जा रहे थे सर कि काउंटिंग मिसिंग हो रही है, इतना फास्ट वर्ड मीनिंग बोली जा रही थी, धड़ 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 जितना भी आ रहा था दिमाग में सारे वर्ड्स। कल्पना भी नहीं कर सकते सर कि वो चैलेंजेस कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था जब ये बोल रहे थे। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलाऊंगा जो उनका एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि आज उनको कैसा लगा, क्या सीखा उन्होंने, बोले। तो हाय गाइस, आई एम अर्जुन मौर्य, 9th क्लास स्टूडेंट। तो गाइस आज के क्लास में हम लोग इतना जैसे आगे जैसे क्या सोचते हैं, अभी अपने को ये वर्ड मीनिंग चल रहा था कि 3 मिनट में कितना 200 का टारगेट था, अगर जो उसको उस पार जाएगा वो जीत जाएगा। तो मतलब हाँ वैसे हमारे सब क्लास अकेडमी में जितना हमारे 4 के बेंच में थे ऐसे बहुत बच्चे गए थे जो 200 के पार थे, लेकिन से अभी हमारा 301 तक गया था। गए हमारा जितना जैसे 3 मिनट में हम लोग इतना जल्दी जल्दी सोच रहे थे अपने माइंड में, जैसे जल्द वर्ड मीनिंग जितना आता था जल्दी 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 हम लोग मतलब हम लोग जीतना चाहते थे, हम अपने माइंड में बहुत तेज चलता था क्या क्या आने वाला है। वैसे गाय इस मतलब बहुत कुछ सीखे, मजा आ गया काफी शानदार, बहुत मजा भी आ रही थी, इंटरेस्टिंग भी लग रहा था गाइस। और एक बात बताते गाइस ना, जब ये चैलेंजेस चलता है ना इतना ज्यादा लोग फोकस हो जाते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं दिखता किसी को, और लोगों को ये लगता है ना कि बस टाइम बहुत कम बीत रहा है, बहुत जल्दी बीत रहा है सर, कितना टाइम बहुत तेज भाग रहा है। जब वर्ड बताना शुरू करते हैं ना सर, लोगों का फोकस पूरा टाइमर पे होता है, टाइमर स्क्रीन पे चल रहा होता है, सभी को पता चल रहा होता है कि टाइमर इतना ही बच गया, इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं कि ताकि मैं जीत जाऊं। और बहुत ही शानदार होता है गाइस, मैं आपको बता दूं सब क्लास अकेडमी के अंदर ना ऐसे बहुत सारे से हम चैलेंजेस लेते रहते हैं जो लोगों के ना अनबिलीव होगा सर, उनको विश्वास ही नहीं होगा कि ये इस तरीके के चैलेंज भी लोग बीट कर पा रहे। ये तो बहुत छोटा चैलेंजेस होता है, बहुत सारे चैलेंज हम लोग 7 दिन का चैलेंजेस लिए हैं एसटीडी माइंड मास्टरी के ऊपर, उसके अंदर तो हम लोग इतना होमवर्क किया जा रहा है कल्पना भी नहीं कर सकते सर। और एक से एक उसका होमवर्क 6th लेवल 7th लेवल पे है अभी, 4 लेवल जो बाकी है, 10 लेवल तक हम जाएंगे अभी टोटल। 3 लेवल के ऊपर आपको पता है सर किसी को तो 1 लेवल भी नहीं हो पाता, और सब क्लास अकेडमी के अंदर 10 छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं इतना 10 लेवल, 3 के बच्चे 10 लेवल का होमवर्क करते हैं। आपको मैं बता दूं अगर आप कल्पना भी करें सर, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यहां पे कि लेवल का होमवर्क है कैसा हमारा, एक एक लेवल के अंदर कम से कम अगर आप कल्पना भी करें तो एटलीस्ट 1 आवर से ज्यादा ही जाता है यस सर एक लेवल को पूरा करने में। 200 वर्ड मीनिंग बोलते हैं सब 600 लिख के लाते हैं, 200 बोला जाता है 600 से लिख लेके आता है अल्ट्रा माइंड सेट। अगर उनको लेसन बोला जाता है कि 4 लेसन पढ़ना है इंग्लिश का तो पढ़ते हैं 6 लेसन, मतलब सब बढ़ा के पढ़ते हैं हम अल्ट्रा करते गाइस, और ऊपर से सारा चीजें रिवाइज भी करके आते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अपने क्लास को एकदम सस्टेनेबल तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तो अभी हम पूछने वाले हैं किशन से, किशन हमारे शाम वाली बैच के हैं, ये लगभग 6 से 8 आते थे लेकिन कुछ दिनों से यूनि वाले बैच में आ गए, देखते हैं इनको कैसा लगता है सभी बैच। सर इस वाले बैच में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी कोई भी कोचिंग में ऐसा नहीं देखा था जैसा इस कोचिंग में देख रहा हूँ। 4 वाली बैच में ऐसा ऐसा कुछ चलता है जो आज तक कोई सोचा भी नहीं होगा, मतलब इसमें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें चलती है गाइस। किशन ये बताना चाहता है कि सर कि यहाँ पे ना पढ़ाई नहीं चलती है इस वाली बैच में, इसमें बहुत सारी रिलेशन चीजें और भी देखी जाती है जैसे पर्सनालिटी, बिजनेसेस और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, इंग्लिश मास्टरी के ऊपर, इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, स्पीच के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। और कुछ ऐसी बहुत सारी सी हैबिट्स हैं गाइस जो हम लोग इस बैच के अंदर हिट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं तो ये थोड़ा होल्ड कर जाते हैं, बाकी में हैं बच्चे बड़े बड़े हैं लेकिन अभी थोड़ा उनका ब्रेन खुला नहीं है, उनका थोड़ा ब्रेन फास्ट नहीं है तो वो झेल नहीं पाते। लेकिन जो इस वाली बैच में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि सर हमें पर्सनल लेवल पर ज्यादा नॉलेज दी जाए, बाकी एकेडमिक तो हम ले ही लेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं से एकेडमिक पढ़ लेंगे, लेकिन जो पर्सनल लेवल पर नॉलेज है उसे थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो हम लोग इस पर पर्सनल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, बिजनेस के ऊपर, डिजिटल बिजनेस के ऊपर, मनी मेकिंग के ऊपर बहुत सारा बात करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है सर कि जब मैं मूड में नहीं रहता पढ़ाने के तो मैं पूरा दिन भर उसे
सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात चलती रहती है, उसमें हैबिट के ऊपर बात चलती रहती है, उसमें पूरा मनी मेकिंग पर बात चलती रहती है, उसमें आप समझ नहीं सकते सर ना कि इतने लेवल बात होती है ना, जो एक हाई वैल्यूबल लीडरशिप जो ट्रेनिंग देते हैं ना उसका चार्ज करते हैं सर। जब कभी आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे ना, बड़ी बड़ी कोच जो जो बड़े बड़े जो ट्रेनर होते हैं सर, उससे वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपने सब क्लास के अंदर वो फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लास के अंदर ही। और उन सभी हैबिट की वजह से जो मैं बताते बताते आज मैंने अपने सब क्लास अकेडमीज के हर एक स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ। ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा सर जो यहाँ पे अब पूरी तरीके से सेम रहा हो, है कि नहीं? यस यस, सभी के सभी चेंज हो गए, सभी के सभी लोग बदल गए, सभी का थॉट ऐसी दिशा में चलने लगा, बिजनेसेस चलने लगे। मैं 3-4 कोचिंग में जाके आया पर मेरे को ऐसा पढ़ाई कहीं नहीं मिली, पढ़ाई कहीं नहीं मिला, प्लस माइंड सेट। पढ़ाई का मतलब तो बहुत ही हम लोग यहाँ पे हाई सीरियस को लेकर के, लेकिन माइंड सेट को चेंज करने में काफी तेज है। और वो माइंड सेट इसलिए चेंज कर पाते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग के अंदर वो चीज थी, वो चीज हम लोग के अंदर थी, बस कोई मिल नहीं रहा था जो चीजों को हम लोग को जगा दे। यस यस, और वो चीजें हमने अपने सब क्लास अकेडमी के अंदर किया कि हमारे सब क्लास अकेडमी के अंदर बच्चों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन वो किसी के ना कोई उनको ग्रो नहीं कर पा रहा था, कोई उनको एक वे नहीं दे पा रहा था, और हम लोगों ने ये किया। और जिस तरीके से सब क्लास अकेडमी के अंदर जितने बच्चे हैं वो एकदम सही दिशा में भाग रहे हैं। और एक बता दो सर, इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स लोग देख रखे हैं ना, और उसे आज नहीं तो कल ना ये पूरा करके ही मारेंगे सर, किसी भी तरीके से, चाहे कितनी भी बर्डन आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, पर ड्रीम इन्होंने देखे हैं सर तो पूरे करने का रास्ता भी दिन भर सोचते रहते हैं। स्ट्रगल है सर, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चलती है सर, ऐसा नहीं कि फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी है ना, लेकिन ड्रीम्स से समझौता नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी बड़ा हालात खराब हो, लेकिन ड्रीम को कम नहीं कर रहे हैं, ड्रीम बढ़ा के ही रखे हैं सर। दिस माई मनी टारगेट, दिस माई होम टारगेट, दिस माई कार टारगेट, दिस माई लाइफ टारगेट, एवरीथिंग हैव टू डिजाइन। सभी लोगों ने अपने अपने डिजाइन कर रखा है, उसके लिए दिन रात मेहनत करने में लग गए, पढ़ाई तो सर एकदम टॉप लेवल पे कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ अलग से बिजनेस प्लानिंग भी कर रहे हैं कि और भी क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से सप्ताह से क्लिनिक के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो इन बच्चों तक पहुँच रही है। हमने अपने जो भी लाइफ में अपने सीखा है, बिजनेस से रिलेटेड, टीचिंग के रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, जो भी मेरी मिस्टेक्स रही हैं, जो भी मेरा सही रहा है, जो मेरा गलत रहा है, वो सब मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ ताकि वो भी अपने लाइफ में जो मिस्टेक रहे वो कम से कम करें, और जो सही करने का चांसेस रहे वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं सप्ताह से अकेडमी में आ करके। अभी तो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आज अपने क्लास का पूरा व्यू बताया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ कि हमारे क्लास में क्या पर्सनल लेवल पर होता है सप्ताह से अकेडमी के अंदर। सप्ताह अकेडमी के अंदर गाइस हम लोग अकेडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो आपकी क्लास वर्क बुक होती है, जो आपकी अकेडमिक बुक होती है, उस पर हम लोग पूरा सिलेबस को कम से कम टाइम के अंदर खत्म करते हैं। जैसे आपका टाइमिंग्स होता है 3 महीने के अंदर खत्म करने का, हम लोग टारगेट लेते हैं 2 मंथ के अंदर खत्म, 2 मंथ के अंदर सारे सिलेबस खत्म, हम ताकि रिविजन मोड में आ जाए। उसके साथ ही साथ हम लोग अपने प्रोफेशनल जो एसटीडी होती है उस पर लग जाते हैं, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट आता है, बिजनेस रिलेटेड चीजें आती हैं, रिलेशनशिप चीजें आती हैं, उसके बाद मनी मेकिंग चीजें आती हैं, उसके बाद हम लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, किस तरीके से अपना ब्रांड बनाए, इतनी उम्र में से इनको ब्रांडिंग सिखा रहा हूँ कि ब्रांड कैसे बनाते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग डिजिटल बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छे सीखते हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम पे कैसे बनाना है, बोलना कैसे, कैमरे के सामने कैसे बोलना, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम लोग किसी भी सेक्टर को छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता, सब बताया जाता है, हर एक चीज, कुछ भी नहीं, फैमिली रिलेशनशिप, मनी मेकिंग रिलेशनशिप, सब कुछ, पेरेंटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने पेरेंट को सर गॉड के ऊपर भी हम लोग उनको दर्जा दे चुके हैं। यस यस, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो अपने पेरेंट को लेकर के कुछ छिड़े छिड़े रहते हैं, पर हमारे सब क्लास के अंदर सर हमारे अपने पेरेंट को ना एक गॉड से ऊपर भी दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग उसे सीखते हैं, और उसे हम लोग ऐसे नहीं सीखते सर, इमोशनली भी सीखते हैं कि पेरेंट के हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल हो रहा है जैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम उन्हें कभी जिंदगी भर अपने से दूर नहीं होना देना चाहते सर, इसलिए हम लोग उन्हें हमेशा, हम लोग उनके लिए हमेशा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए सारी चीज़ें मेहनत की जा रही है। यस यस, ये हम लोग अपने पेरेंट को नहीं बताते हैं, बट हम लोग का पूरा पूरा गोल ही है कि अपने पेरेंट्स को लाइफ देनी है, वो जिंदगी देनी है जो कभी कल्पना भी ना की है, जो हमारे पेरेंट्स कभी सोच नहीं सकते थे। इस तरीके से हमारा गोल, इसमें ड्रीम चल रहा है सर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप लोग को सब क्लास अकेडमी के अंदर देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो बहुत ज़्यादा लकी महसूस करते हैं कि हम सब क्लास अकेडमी में अपना कदम रखे हैं। यहाँ पे ना सर पढ़ाई नहीं है सर, यहाँ पे उनको लाइफ मेकिंग एजुकेशन दी जा रही है, लाइफ बनाई जा रही है सर, उनकी हर एक गलत से गलत आदतों को रिमूव किया जा रहा है, उनकी अच्छी अच्छी आदतों को डाला जा रहा है। यहाँ पे सारे बच्चे, जितने बच्चे आए थे वो सब बिगड़े हुए थे, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलत था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कदम रखे वो धीरे 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 सब क्लास अकेडमी के अंदर माहौल के अंदर चेंज हो गए। और आपको मैं बता दूं सर, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा इस समय जो सब क्लास अकेडमी के अंदर आकर के बदला ना हो। गाइस जैसे मैं भी अपने लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ,
कि पहले मैं मेरा भी पढ़ाई में मनोबल नहीं लगता था, क्या रहता था पहले मैं सरकारी स्कूल में घूमने वाले लड़के हैं, इनको मस्ती लड़ाई झगड़ा गर्ल्स लड़ाई करना और इनका एक प्रोफेशन है गाइस, ये मेरे आपको मैं बता दूं जो भी ब्लॉग वगैरह शूट होता है ना ये उसके पीछे से इन्हीं का हाथ है। अब आपको लगता होगा की हाँ यार सर ये तो मैं जानना चाहता था कि आपका जो वीडियो शूट होता है वो कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं यही करते हैं जो हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं, जो हम लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा कोई स्टोरी शूट करते हैं, ब्लॉग वीडियो कुछ भी शूट करते हैं ना उसके पीछे इन्हीं का हाथ रहता है। कोई भी रील आप देखते हैं ना वीडियो के अंदर इन्हीं का हाथ रहता है। ये सारे ये मेरे वीडियो का पूरा जो प्रोफेशनली वीडियो बनाते हैं ना सर यही बनाते हैं, क्योंकि शूटिंग ये करते हैं, एडिटिंग मेरा काम है, एडिटिंग मैं कर लेता हूँ, बाकी कैमरे का पूरा यही काम करते हैं। आपको मैं कई दिनों से दिखाना चाहता था कि मेरे जो कैमरा मैन है, जो मेरे ये मेरे स्टूडेंट भी हैं, ऐसा नहीं, और मेरे भाई भी हैं, वो अलग चीज़ है सर कि मैं कैमरा मैन बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे कैमरा मैन है, बट अभिषेक का ना जो मन है सर ना कैमरे को लेकर के ना इतना ज़्यादा पैशनेट है ना सर, इतना ज़्यादा पैशनेट है ना सर, अगर मैं उसको कभी बुलाता हूँ कि अभिषेक हमें यहाँ पे चलना है ब्लॉग शूट करना है, यहाँ पे चलना है ये शूट करना है, तुरंत बोलता है सर कब चलना बताइए। इसी पैशन को पा करके ना सर मैं बता दूँ कि अभिषेक अपने लाइफ में जहाँ तक मुझे लग रहा है सर कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत पढ़ाई में तो सर तेज है ही, पढ़ाई में अपने लेवल क्वेश्चन ने अप कर रखा है, लेकिन अपने जो प्रोफेशन है कैमरा शूटिंग्स वीडियो शूटिंग फोटो शूटिंग उसमें भी इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, और इसको जितना मेरे से हो सक रहा है उतना मैं सिखा रहा हूँ, और इसको मैं अभी एक ऐसा कोर्स दिलाने वाला हूँ, एटलीस्ट वो कोर्स ही है टोटल 10,000 रुपए का, तो कोर्स है इसको मैं दिलाऊंगा ताकि वो कोर्स फोटोग्राफी का कोर्स है सर, वो फोटोग्राफी का लेकर के कोर्स देख लेगा ये, वहां से सीख लेगा, सीखने में जो कैमरे में थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कैमरे में और मास्टरी आ जाएगी, क्योंकि जितना मुझे आता है मैं उतना सिखा रहा हूँ, जितना मेरे को नहीं आता उतना मैं इसको कोर्स से सिखवा दूंगा। तो हर एक चीज़ यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं सब अपने लाइफ को लेकर के पैशनेट्स हैं, तो ये सारा वीडियो का काम इन्हीं का होता है। अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इसी स्टडे को हमारा नेक्स्ट ब्लॉग शूट होने जा रहा है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया बीटी जूहू और कई जगह ऐसे जा रहे हैं, हम लोग मरीन साइड में कई जगह जा रहे हैं, पांच होटल गरीम कई जगह होटल हम लोग विजिट करने वाले हैं, और वहाँ पे कई सारे ब्लॉग होटल टोटल हमारा 15-16 वीडियो का प्लानिंग है शूट करने का, 15-16 वीडियो शूट करने वाले हैं, और सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी सब क्लास अकेडमी के ब्लॉग चैनल पर मिलेगी, सब क्लास अकेडमी के आपके पर्सनल चैनल पर मिलेगी, सब क्लास अकेडमी के शॉर्ट चैनल पर मिलेगी, और रवि शंकर एक्शन कोच वाले चैनल पर मिलेगी, जो मैं अपना अलग से वीडियो शूट करता हूँ, जो अकेडमी के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो मुझे जानकारी देनी होती है उसमें मिलेगी, स्टोरी की मिलेगी आपको मेरे रवि शंकर एक्शन कोच वाले चैनल पर। ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं, आपको इसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब भी रख लीजिए, क्योंकि अलग अलग चैनल के ऊपर मैं अलग अलग कंटेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सारा चीज़ें एक ही जगह खटा पटड़ हो जाए, नहीं, बहुत सारे ऐसे लर्निंग है सर, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंसेस और अपने जो सप्लाई अकेडमी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंसेस आपको तक पहुँचाऊंगा चैनल के माध्यम से। आई होप कि आपको इस ब्लॉग से काफ़ी मजा आया होगा, और आपको जितने भी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किया उससे भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। सप्लाई अकेडमी का सर एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही पहचान है, और एक अलग ही ब्रांड है जो कि लोगों के ना दिमाग से भी परे होगा सर, सब क्लास अकेडमी के लोग ना सोच भी नहीं सकते कि ये है क्या। अभी तो सर हम लोग अपना रुतबा दिखाए नहीं सर, अभी तो अपने असली रूप में तो आए नहीं सर, अभी तो हम लोग से अभी उस फ्लो में जा रहे हैं जिस फ्लो में अभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ तक भी लोग आ गए, अभी तो असली गेम बाकी है सर, जब हम लोग डिजिटल पे पूरी तरीके से ब्रांड बना के रखेंगे, और बहुत ही जल्दी होने वाला है सर, क्योंकि सारे के सारे लोग रेडी हैं किस तरीके से डिजिटल लेवल पे हम अपना एक सब क्लास अकेडमी का ब्रांड लेके जाएं, और ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि मेहनत स्पीड में है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, नाइस टू मीट यू, एंड आज के इस ब्लॉग के देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय।